विधानसभा उपचुनाव के लिए सीपीआई भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। सीपीआई जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने वाली है। प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक के बाद पार्टी ने मनीष कुंजाम और भीमसेन मंडावी के नाम की घोषणा कर दी है। 7 सितंबर को पार्टी दोनों में से एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगी। सीपीआई सचिव आरडीसीपी राव ने बताया है कि कार्यकारिणी की बैठक में जिला की मांग अनुसार प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। ये चुनाव मोदी सरकार के खिलाफ होगा, साथ ही जन जंगल और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के साथ निजीकरण की सोच के खिलाफ ये लड़ाई रहेगी। प्रत्याशी का हमारा अभी कमेटी का निर्णय है कि 2 लोग का नाम हम घोषणा किया है। कौन कौन है नाम? एक तो मनीष कुंजाम भी है और एक हमारा भीमसेन मंडावी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, अब दंतेवाड़ा की विधानसभा सीट पर अब सीपीआई भी चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं सीपीआई की? देखिए, न केवल सीपीआई बल्कि कांग्रेस और बीजेपी एक महत्वपूर्ण चेहरे को उतार कर चुनावी दंगल में अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करेगी। जरूर सीपीआई का वर्चस्व रहा है और क्रोनोलॉजी देखें यदि दंतेवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर, तो सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं। खुद महेंद्र कर्मा का जिक्र करें जो कि कांग्रेस के नेता थे और झीरम घाटी में जिनकी हत्या हो गई, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब सीपीआई के एक बड़े उम्मीदवार को उन्होंने चुनाव हराया था। और सीपीआई का एक दमखम है, सीपीआई का उस क्षेत्र में बड़ा व्यापक जनाधार है। और मनीष कुंजाम जो है, हालांकि वो सुकमा और कोंटा के इलाके से जरूर आते हैं, लेकिन उनका अपना एक प्रभाव उन इलाकों में है, इसलिए मनीष कुंजाम का चुनाव में उतरना अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज तो देता ही है, साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक तरीके की चुनौती भी खड़ी करता है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष कुंजाम चुनावी दंगल में कूद सकते हैं सीपीआई के टिकट पर, उसके पैरेलली बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया था। कांग्रेस ने देवति कर्मा पर दोबारा दाव खेला है, महेंद्र कर्मा की पत्नी है, दंतेवाड़ा से पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं। पिछला चुनाव जरूर जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्हें हार का खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और हालात बदले हैं। कांग्रेस अब सत्ता में है, सत्ता में रहने का एक प्रभाव जरूर होता है और उपचुनाव में ये माना जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी का प्रभाव ज्यादा होता है, सरकारी मशीनरी भी कहीं ना कहीं सरकार के हिसाब से काम करती है। या बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आज शाम प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में दंतेवाड़ा विधानसभा में बीजेपी का चेहरा कौन बनेगा इसे लेकर न केवल रायशुमारी होगी बल्कि चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि पार्टी लगभग लगभग नाम तय कर देगी। और ये माना जा रहा है कि भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो दंतेवाड़ा सीट के बीजेपी के विधायक थे उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी पर पार्टी दाव खेल सकती है। ओजस्वी मंडावी ने भी पहले भी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं। और भीमा मंडावी की पत्नी होने के नाते जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट बैंक भी ओजस्वी मंडावी के हिस्से आ सकता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ओजस्वी मंडावी बीजेपी से, दंतेवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार जिस तरीके से ऐलान कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी, देवती कर्मा और मनीष कुंजाम, ये 3 बड़े चेहरे चुनावी दंगल पर होंगे। और जीत का सहरा किस पर बंधेगा ये चुनावी रणनीति पर जब ये कूदेंगे, नामांकन दाखिल की प्रक्रिया हालांकि बाकी है, तब जब नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन जीत रहा है और दंतेवाड़ा की जनता किस पर सहरा बांधना चाहती है। निश्चित रूप से आशीष, देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर अब ताज सजेगा। लेकिन सवाल यह है कि देवति कर्मा को दोबारा यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, पिछली बार भीमा मंडावी से 2100 मात्र वोटों से वो हार गई थी, अब सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है और देवती कर्मा को दोबारा वहां से खड़ा किया गया है, इस बार नए मुद्दे कौन कौन से होंगे देवति कर्मा के जिन्हें लेकर अब वो चुनावों में उतरेंगी? देखिए, मुद्दों की फहरिस्त लंबी है कांग्रेस के पास और कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से ट्राइबल सेक्टर पर काम किया है, आदिवासी समाज को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस ने रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है। पहला मुद्दा लोहांडीगुड़ा में जिस तरीके से टाटा से जमीन वापस लेकर जो प्रभावित किसान थे जिन्हें अरसे से उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, वो एक बड़ा फैसला है जो
कांग्रेस को बस्तर में मजबूत करता है। कुपोषण की बड़ी समस्या से कांग्रेस सरकार जूझ रही थी और इस पर काम करना चाह रही है, तो कुपोषण बस्तर की बड़ी समस्या है, दंतेवाड़ा की समस्या है, और पिछले दिनों कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और बस्तर में खासतौर पर दंतेवाड़ा के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से गुड़ और चना बांटने की योजना पर सरकार काम कर रही है, ये बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दिलाएगी। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से ट्राइबल्स का जो प्रतिशत है आरक्षण का उसे बढ़ाया है, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो मुद्दों पर और खासतौर पर जो अपील करने वाले जो इश्यूज हैं उस पर कांग्रेस मजबूत होती नजर आती है, लेकिन जरूर बीजेपी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत जो ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही है और भीमा मंडावी की हत्या के बाद या मौत के बाद जिस तरीके से उनकी पत्नी को आगे फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रही है एक बड़े सिंपैथी वोट बैंक को टारगेट करते हुए, ये बीजेपी का अपना एक बड़ा टास्क है, बीजेपी की अपनी एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। और इनके पैरेलल यदि सीपीआई के मनीष कुंजाम को देखा जाए तो उनके अंदरूनी इलाकों में अच्छी पैठ मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय संघर्ष के हालात जो है वो दंतेवाड़ा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दंतेवाड़ा सीट पर कौन प्रत्याशी होता है।